गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बीबी जैमिनी। मैंने आपको पिछले दो लेक्चर्स में एडवांस कैलकुलस में जो अपना पेपर सेकंड है अनंत स्पर्शियों पे दिया। अब अनंत स्पर्शियों का मेथड भी मैंने आपको बताया, कुछ सवाल करके भी आपको बताया, ठीक है। तो उससे आपको कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ आज। तो ये असाइनमेंट नंबर 6 है, ये अनंत स्पर्शी में जो अब तक दो लेक्चर हुए उन पर आधारित है, ठीक है बच्चों। तो इसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है वो आप करने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्न वक्रों की अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट में एक्स ए थ्री अपॉन एक्स थ्री माइनस बी थ्री अपॉन वाई थ्री इक्वल टू वन है, ये वक्र की समीकरण है। दूसरा बी पार्ट है, उसमें एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये वक्र की समीकरण है। तो दो वक्रों की समीकरण मैंने इन पार्टों में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन आपको, सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो अपन इन कर्व की इक्वेशंस को इक्वल टू जीरो करके लिख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से अपन इनकी एक्स और वाई की उच्चतम घात सेलेक्ट करेंगे, फिर उनके गुणांक सेलेक्ट करेंगे, या गुणांक जो है वास्तविक एक घाती गुणनखंड करेंगे उनको और शून्य के बराबर रख देंगे, तो उससे अनंत स्पर्शियाँ आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको हिंट के स्वरूप दिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको इसमें असाइनमेंट में जो दिया है वो है बेटा, निम्न वक्रों की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके तीन पार्ट है, ए बी और सी। इनमें कर्व की इक्वेशंस दे रखी है। ए पार्ट में आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो दे रखी है, ये कर्व की इक्वेशन है, इसके लिए अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। इसी तरीके से बी पार्ट में जो वक्र की इक्वेशन है वो है आपको वाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें सी पार्ट, वो है फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सेवन है। तो सेवन को अपन इधर ले आएंगे, इक्वल टू जीरो कर लेंगे, तो माइनस सेवन आ जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो अल्टीमेटली जो सवाल है वो बन जाएगा आपका फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, ये कर्व की इक्वेशन सी पार्ट में बन जाएगी। तो ये मैंने आपको तीन सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं, इनको आप करने की कोशिश करिए, अनंत स्पर्शी ज्ञात करिए। इसके लिए मैंने वर्किंग मेथड आपको पिछले टर्न पे बता दिया था, ठीक है, उसके स्टेप्स फॉलो करिए और इन तीनों सवालों को आप करने की कोशिश करिए बेटा। मैंने हिंट के रूप में आपको ये लिखा है और यहाँ पर मैंने इन स्लाइड में आपको पिछली स्लाइड्स को बता भी दिया है कि जो रिमाइंड कराया है आपको, है ना, रिकॉल कर दिया मैंने। तो यहाँ पर ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। वर्किंग रूल में पहले तो अक्षों के समानांतर आपको अनंत स्पर्शियाँ तलाश करनी है, फिर आपको तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ तलाश करनी है बिंदु नंबर 3 में, और तिर्यक अनंत स्पर्शियों के लिए मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हिंट के लिए मैं आपको इन स्टेप्स को वापस रिकॉल कर रहा हूँ। स्टेप 1 है आपको, ठीक है, फाई एन एम ज्ञात करते हैं, फिर स्टेप 2 में उस फाई एन एम को 0 के बराबर रख देते हैं, उससे एम की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और स्टेप 3 में मैंने फाई उससे लोअर जो कैटेगरी का फाई एन माइनस वन एम है वो भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। और स्टेप 4 में जो सी की वैल्यू है वो ज्ञात कर लेते हैं एम के संगत, ठीक है। तो फाई एन माइनस वन एम प्राप्त हो गया, फाई एन डैश एम भी आपको फाई एन एम जो एक्सप्रेशन उसको डिफ्रेंशिएट करके प्राप्त हो जाएगा, तो सी प्राप्त हो जाएगा आपको एम के विभिन्न वैल्यूओं पर, ठीक है बच्चों। तो एम के संगत सी में आपको मिल जाएंगे स्टेप 4 में, ठीक है। स्टेप 5 में मैंने आपको बताया कि यदि m और c की वैल्यू आप रख देंगे तो संगत अनंत स्पर्शियाँ आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और यदि मूल एक जैसे हैं, दोनों मूल एक जैसे हैं, तो स्टेप 6 आपको प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि तीन मूल एक जैसे हैं तो स्टेप 7 आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आप सवाल करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि दो मूल है कि तीन मूल है जो समान है, ठीक है। तो इस तरीके के इन स्टेप्स पर आधारित आप ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिया उसको करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट का जो मैंने दिया है वो आपको कह रहा है, ये सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको इसलिए करा कि हर वक्र की अनंत स्पर्शी हो कोई ज़रूरी नहीं है,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में दो पार्ट मैंने आपको दे रखा है, एक पहला है एक्स फोर प्लस वाई फोर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा बी पार्ट है वो है आपको एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो कर्व की इक्वेशन मैंने आपको दे रखी है, तो अब आपको तक ये सिद्ध करना है कि इन वक्रों की कोई अनंत स्पर्शियाँ होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी तलाश करेंगे, ठीक है। तो वास्तविक मान के अनंत स्पर्शी ज्ञात करें तो आपको पता चलेगा अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे के स्टेप्स में जो मैं जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको वर्किंग स्टेप्स, उनसे तलाश करेंगे तो आपकी अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि कोई अनंत स्पर्शियाँ इन कर्व की नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, आप इनको करने की कोशिश करें, मैंने हिंट भी आपको दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे यदि आप कोशिश करेंगे तो आपसे बताएंगे कि ये सारे सवाल आपसे हो गए हैं। उसके बाद में भी किसी बच्चे से यदि सवाल नहीं होता है तो मैं आपको उसको नेक्स्ट टर्न पे सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये असाइनमेंट करने की कोशिश करें आप घर पे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।